नमस्कार दोस्तों, धर्म गंगा में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में साधुओं का एक खास महत्व है। इन्हीं में से उनका पहनावा ही उनके बारे में बता देता है कि वो किस तरह के साधु संत हैं। इनकी वेशभूषा एक साधारण इंसान से बिल्कुल अलग होती है। कुछ ऐसे साधु होते हैं जो अपने शरीर में भस्म, जटाएं, कानों में कुंडल, गले में रुद्राक्ष का माला और कुछ तो अर्धनग्न और हाथ में चिमटा, त्रिशूल और कमंडल लिए रहते हैं। आखिर ये अपने साथ में ऐसी चीजें क्यों लिए रहते हैं? कभी इन लोगों को इन चीजों से परेशानी नहीं होती? जानिए इन सब चीजों को लेने के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भस्म की। साधुओं को सबसे ज्यादा प्रिय होती है भस्म। भगवान शिव के ओघड़ रूप में भस्म रमाना सभी जानते हैं। ऐसे ही शैव संप्रदाय के साधु भी अपने आराध्य के प्रिय भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। रोजाना सुबह स्नान के बाद नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। ये भस्म भी ताजी होती है। भस्म शरीर पर कपड़ों का काम करती है। भगवान शिव भस्म रमाते हैं। अपने आराध्य की ही तरह शैव संप्रदाय के नागा साधुओं को भस्म रमाता अति प्रिय होता है। अब बात कर लेते हैं कमंडल, चिमटा और त्रिशूल की। नागा साधु अपने आप में एक योद्धा होते हैं। वो शस्त्र के रूप में फरसा, तलवार और त्रिशूल साथ रखते हैं। साधु अपने हाथ में कमंडल, त्रिशूल या फिर चिमटा साथ रखते हैं। तो कुछ साधु धातु के तो कुछ तांबे के कमंडल का इस्तेमाल करते हैं। नागुओं में चिमटा रखना अनिवार्य होता है। धुनी रमाने में सबसे ज्यादा काम चिमटे का ही पड़ता है। चिमटा हथियार भी है और औजार भी। ये नागाओं के व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा होता है। ऐसा उल्लेख भी कई जगह मिलता है कि कई साधु चिमटे से ही अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसा माना जाता है, महाराज का चिमटा लग जाए तो नैया पार हो जाए। नागाओं को सिर्फ साधु नहीं बल्कि योद्धा माना गया है। वे युद्ध कला में माहिर, क्रोधी और बलवान शरीर के स्वामी होते हैं। अक्सर नागा साधु अपने साथ तलवार, फरसा या त्रिशूल लेकर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं गले में माला की। साधु लोग अपने गले में माला धारण करे रहते हैं। इसके पीछे अपने अपने संप्रदाय की बात होती है। शैव संप्रदाय के लोग रुद्राक्ष की माला, वैष्णव के तुलसी की माला और इसी तरह अखाड़ा या उप संप्रदाय के साधु अपनी तरह से माला धारण करते हैं। कई नागा साधु नियमित रूप से फूलों की मालाएं धारण करते हैं। इसमें गेंदे के फूल सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके पीछे का कारण है गेंदे के फूलों का अधिक समय तक के लिए ताजा बना रहना। इसके अलावा बात कर लेते हैं तिलक की। साधु सबसे ज्यादा ध्यान अपने तिलक पर देते हैं। ये पहचान और शक्ति दोनों का प्रतीक है। रोज तिलक एक जैसा लगे, इस बात को लेकर साधु बहुत सावधान रहते हैं। वो कभी अपने तिलक की शैली को बदलते नहीं हैं। तिलक लगाने में इतनी बारीकी से काम करते हैं कि अच्छे अच्छे मेकअप मैन मात खा जाएं। इसके अलावा बात करते हैं लंगोट की। आमतौर पर नागा साधु निर्वस्त्र ही होते हैं, लेकिन कई नागा साधु लंगोट धारण भी करते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे भक्तों के उनके पास आने में कोई झिझक ना रहे। कई साधु हठ योग के तहत भी लंगोट धारण करते हैं, जैसे लोहे की लंगोट, चांदी की लंगोट, लकड़ी की लंगोट। ये भी एक तप की तरह होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जटा की। जटाएं भी नागा साधुओं की सबसे बड़ी पहचान होती है। मोटी मोटी जटाओं की देखरेख भी उतनी ही जतन से की जाती है। काली मिट्टी से उन्हें धोया जाता है, सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है। अपनी जटाओं को नागा सजाते भी हैं। कुछ फूलों से, कुछ रुद्राक्षों से तो कुछ अन्य मोतियों की मालाओं से जटाओं का श्रृंगार करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दाढ़ी की। जटा की तरह दाढ़ी भी नागा साधुओं की पहचान होती है। इसकी देखरेख भी जटाओं की तरह ही होती है। नागा साधु अपनी दाढ़ी को भी पूरे जतन से साफ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पोशाक, चर्म की। जिस तरह भगवान शिव बागंभर यानी शेर की खाल को वस्त्र के रूप में पहनते हैं, वैसे ही कई नागा साधु जानवरों की खाल पहनते हैं, जैसे हिरण या शेर। हालांकि शिकार और पशु खाल पर लगे कड़े कानूनों के कारण अब पशुओं की खाल मिलना मुश्किल होती है, फिर भी कई साधुओं के पास जानवरों की खाल देखी जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल धर्म गंगा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।